तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। प्रणाम बड़े बुजुर्गों और माताओं को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। शिवाना बोर्ड लगा हुआ है, सीधा जाना है शिवाना और इस साइड जाएगा पंचपद्रा और इस साइड सिंदरी। तो सिंदरी और गुजरात की रोड भी इधर ही जाती है, ठीक है। और ये कुछ बोर्ड लगा है सुस्वागतम, ये ब्रह्मा जी मंदिर का है, श्री ब्रह्मा जी का मंदिर। आसोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे और बाद में गढ़ सिवाना चलेंगे। सिवाना का गढ़ देख लेंगे बाड़मेर का, और यही तो देखना है। फिर हमारे बाड़मेर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे जैसलमेर की सीरीज में क्या, एक पूरा टंकी खाली हुआ था, 800 किलोमीटर चली थी। और बाड़मेर की सीरीज तो यार आधी टंकी भी खाली नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, 400 किलोमीटर चली है बाड़मेर की सीरीज में। चलो ठीक है, चलते हैं सामने। कुछ ये चौराया है ना, देख लेना, इसका सीधा पार करना है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी के धाम पर आ चुके हैं। बालोतरा से 15 किलोमीटर है, दूर नहीं है। और जोधपुर से आओगे तो भी इस हाईवे से 7 किलोमीटर पड़ेगा आपके, मेगा हाईवे से। और फर्स्ट लुक देख सकते हो ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे नहीं आपको, कहीं कहीं से ही मिलेंगे। बहुत ही शानदार लुक है ना, कितना गजब का है। चलो मैं देखता हूँ, मैं अंदर दर्शन कराता हूँ अगर अलग हुआ तो ना। अंदर आने पे कुछ ऐसा है, खेतेश्वर ब्रह्मधाम। दोस्तों, ये मंदिर खेतराम जी द्वारा बनाया गया, खेतेश्वर जो संत हुए थे, जो ब्रह्मदेव जी ब्रह्मा जी के अवतार थे और राज पुरोहित समाज से आते थे, उन्होंने ये बनाया है यहाँ पे। और यहीं पे वो मतलब ब्रह्मलीन हो गए, आप बोल सकते हैं निर्वाण हुआ था यहीं पे इनका। तो बहुत खूबसूरत है, ये मेन रोड पे मंदिर है। ज़रूर आप अगर विजिट करें, अगर यहाँ आओ तो ठीक है। दोस्तों, अगर आप जालौर की साइड से आते हो, सिरोही जालौर की साइड से आते हो, तो ऐसा गेट मिलेगा यहाँ से। इससे 1 किलोमीटर आगे मंदिर है ब्रह्मा जी का। अब मेरे वीडियो लाइक कर दिया करो यार, मैं इतनी मेहनत करा गया, आपको सब कुछ घुमा रहा हूँ। देखो, ये खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ है जो राजपुर समाज का समाज विकास न्यास, इनके द्वारा मतलब इनको क्या बोलते हैं, मैनेज किया जाता है ना, श्री ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्री है, अब चलते हैं गढ़ सिवाना।